हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज फाइनली हम करने वाले हैं कैमरा कंपैरिजन रियलमी XT का रेडमी नोटेड प्रो के साथ। और ये रेडमी नोटेड प्रो का इंडियन वेरिएंट ही है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ कि ये फोन मैंने खुद अमेजोन से परचेस करा है, आप बिल भी देख सकते हो। और रियलमी XT भी मैंने खुद परचेस करा है, इसका बिल भी आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। तो ये दोनों फोन मैंने खुद परचेस करे हैं। ऐसे में अगर आप रियलमी या रेडमी के डाई हार्ट फैंस हो, मतलब हार्ड कोर फैंस हो, तो बुरा मत मानना। बिकॉज कई बार जब मैं रियलमी के किसी फोन का रेडमी के किसी फोन के साथ कंपेरिजन करता हूँ, तो कुछ लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि तुमने तो रियलमी से पैसे लिए हैं, कुछ लोग कहते हैं रेडमी से पैसे लिए हैं। तो यार ऐसे में मतलब बुरा मत माना करो, जो सच है वो मैं आपको बोल देता हूं। और एक चीज तो आप समझ ही गए होंगे, जब ब्रांड्स ने मुझे दोनों फोन्स मतलब रिव्यू यूनिट तक नहीं भेजे तो पैसे क्या ही देंगे। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं वेट कर रहा था रियलमी में एक सॉफ्टवेयर अपडेट आने की, वो अपडेट अब आ चुका है। और अब आप रियलमी XT के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जो पहले पॉसिबल नहीं था। बट इसके अलावा क्या कैमरा में कुछ इंप्रूवमेंट हुई है, वो आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर बात करें कैमरा सेंसर की, तो रियलमी XT और रेडमी नोटेड प्रो इन दोनों ही फोन्स में रियर साइड पे क्वाड कैमरास का सेटअप दिया गया है। इनफैक्ट जो कैमरा सेटअप है वो बिल्कुल सेम है, मतलब इन दोनों ही फोन्स में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। सैमसंग आइसोसेल ब्राइट GW1 कैमरा सेंसर दिया गया है। रियलमी XT में जो प्राइमरी सेंसर है उसका अपर्चर F1.8 है और रेडमी नोटेड प्रो में F1.89 अपर्चर दिया गया है। तो बस एक यही फर्क है। उसके अलावा दोनों ही फोन्स में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा मैक्रो सेंसर भी दिया गया है। मैंने बहुत सारी पिक्चर्स कैप्चर करी है डिफरेंट लाइटिंग में और कुछ वीडियो सैंपल्स भी दिखाए हैं। आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि प्लीज यार वीडियो को पूरे एंड तक देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको भाई का कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स पे चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, मतलब मजा ही आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि दोनों में से किस फोन का कैमरा बेटर है। ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ मैं डेलाइट कंडीशंस में 1080p 30fps पे और ऑडियो भी फ़ोन के मेन माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। मैं आपको ऑडियो स्विच करके भी दिखा दूंगा सो दैट आपको पता चल जाए कि माइक्रोफोन किस फोन का बेटर है। रियलमी XT में 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है विद F2.0 अपर्चर और स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए रियलमी में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी दी गई है। वेयर एज रेडमी नोटेड प्रो में 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है विद सेम F2.0 अपर्चर, बट रेडमी नोटेड प्रो के फ्रंट कैमरा में किसी भी तरह की वीडियो स्टेबलाइजेशन नहीं दी गई है। अब मैं आपको एक बार भाग के भी दिखा रहा हूँ और आप बैकग्राउंड में ध्यान से नोटिस करना, रियलमी XT की वीडियो एक्चुअली में ज़्यादा स्टेबल है, वेयर एज रेडमी नोटेड प्रो में तो बैकग्राउंड में पूरी दुनिया हिल गई है। अब चलते हैं एक बार लोलाइट कंडीशंस में और देखते हैं कि वीडियो क्वालिटी किस फोन की बेटर आती है। सो लाइट्स ऑफ। तो अब ये वीडियो रिकॉर्ड करो मैं लोलाइट कंडीशंस में। रेडमी नोटेड प्रो की वीडियो स्लाइटली बेटर एक्सपोज है बट कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन रेडमी नोटेड प्रो में नॉइस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रियलमी XT और जो डिटेल्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों ही वीडियोस में। अब मैं आपको कुछ सेल्फीज दिखाता हूँ जो मैंने कैप्चर करी है डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में। इन दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा से आप काफी शार्प सेल्फीज कैप्चर कर सकते हो, मेगापिक्सल्स का फर्क है बट जो डिटेल्स हैं वो दोनों ही पिक्चर्स में ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, डिटेल्स इनफ भी हैं इमेज में और स्किन टोन्स भी काफी सिमिलर देखने को मिली है। बट अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे तो डायनामिक रेंज काफी एवरेज कैप्चर करते हैं इन दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा। स्टिल अगर किसी एक को पिक करना हो तो इस सैंपल शॉट में आप नोटिस करोगे बैकग्राउंड में जो डार्क एरियाज में हाइलाइट्स हैं वो बेटर मेंटेन्ड है रियलमी XT की इमेज में, तो रियलमी XT डायनामिक रेंज थोड़ी बेटर कैप्चर कर लेता है। लेकिन जो फ्रंट कैमरे का पोर्ट्रेट मोड है वो मुझे थोड़ा बेटर लगा है रेडमी नोटेड प्रो का। इस सैंपल शॉट में आप देख ही सकते हो दोनों ही पिक्चर्स काफी शार्प हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों ही फोन्स एजेस भी प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं, बैकग्राउंड ब्लर भी काफी नेचुरल है। बट इन दोनों ही पोर्ट्रेट सेल्फीज में रेडमी नोटेड प्रो की इमेज बैलेंसली एक्सपोज्ड आई है। आप मेरी टी शर्ट की तरफ देख सकते हो, जो टेक्सचर है वो बेटर मेंटेन्ड है नोटेड प्रो में। रियलमी XT की इमेज थोड़ी सी ओवर एक्सपोज्ड आई है जिसकी वजह से मेरी टी शर्ट का जो टेक्सचर है वो ब्लोन आउट हो गया है। अब ये सेल्फी मैंने कैप्चर करी है लो लाइट में, दोनों ही पिक्चर्स में नॉइस काफी कम है और दोनों ही पिक्चर्स वेल एक्सपोज्ड भी आई हैं, लेकिन रेडमी नोटेड प्रो की इमेज ज़्यादा शार्प है। अब डिस्प्ले फ्लैश ऑन करने के बाद दोनों ही पिक्चर्स में नॉइस रिड्यूस हो गई है और दोनों ही पिक्चर्स में डिटेल्स भी इनफ हैं, डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, सिर्फ कलर कॉन्ट्रास्ट का थोड़ा सा फर्क है। तो मेरे लिए यहाँ पे किसी एक को पिक करना पॉसिबल नहीं है।
इन दोनों ही फोन से आप 720p 960 fps पे सुपर स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। रियलमी XT की जो वीडियो क्वालिटी है वो मुझे काफी एवरेज लगी है, मतलब है तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड और मैंने वीडियो में फ्रेम स्किप होते हुए नोटिस करे हैं, जिसकी वजह से वीडियो नेचुरल नहीं लगती है। Redmi Note 8 Pro बेटर सुपर स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता है, फ्रेम स्किप होते हुए नोटिस मैंने नहीं करे और ओवरऑल जो वीडियो क्वालिटी है वो ज़्यादा स्मूथ है। अब ये नॉर्मल स्लो मोशन वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड करी है 720p 240 fps पे, और यहाँ पे जो वीडियो क्वालिटी है वो एक्चुअली में Redmi Note 8 Pro की बेटर है। Note 8 Pro की वीडियो ज़्यादा शार्प है और कलर कॉन्ट्रास्ट भी बेटर मेंटेन्ड है, वेयर एज Realme XT में कभी कभी क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वो फोकस में नहीं होता है, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी ब्लर बनती है। इवन इस वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम भी मैंने 3 से 4 बार ट्राई करा, बट हर बार वीडियो ब्लर बन रही थी। तो मेरे अकॉर्डिंग रियलमी को इस इश्यू को सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू फिक्स कर देना चाहिए। अब ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ मैं डेलाइट कंडीशंस में 1080p 30 fps पे। इन दोनों ही फ़ोन से आप 1080p वीडियो 60 fps पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बट उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन वर्क नहीं करती है। इवन 4K वीडियोस भी 30 fps पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो एंड उस टाइम पे भी ये वर्क नहीं करती है। दोनों ही फ़ोन्स एक्सपोजर तो ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं, बट जो डायनामिक रेंज है वो रियलमी XT थोड़ी बेटर कैप्चर कर लेता है, और थोड़ा सा कलर कॉन्ट्रास्ट का भी डिफरेंस है दोनों ही वीडियोस में। इन दोनों ही फ़ोन्स में स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी दी गई है। तो अब मैं आपको एक बार भाग के दिखा रहा हूँ। और जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो मुझे स्लाइटली बेटर लगी है Redmi Note 8 Pro की। एक बार ऑटो फोकस चेक कर रहा हूँ मैं, और डेलाइट कंडीशंस में तो ऑटो फोकस दोनों ही फ़ोन्स में प्रॉपरली वर्क कर रहा है। एज सच कोई फोकस हंटिंग इश्यूज मैंने नोटिस नहीं करे हैं। वेल बाय डिफॉल्ट ये दोनों ही फोन्स 16 मेगापिक्सल पे पिक्चर्स कैप्चर करते हैं, बट ये कुछ मैक्रो शॉट्स मैंने 64 मेगापिक्सल पे कैप्चर करे हैं इन दोनों ही फोन से। वाइड अपर्चर होने की वजह से बैकग्राउंड ब्लर दोनों ही पिक्चर्स में काफी इंटेंस देखने को मिला है और दोनों ही पिक्चर्स काफी शार्प है, बट इन दोनों ही फोन्स का कैमरा नेचुरल कलर्स कैप्चर करने में सीरियसली काफ़ी स्ट्रगल करता है। इस सैंपल शॉट में Note 8 Pro में वार्म टोन देखने को मिली है, जिसकी वजह से आप इमेज में येलोइश टिंट नोटिस कर सकते हो, वेयर एज Realme XT में एक कूल टोन देखने को मिली है। इवन इस सैंपल शॉट में तो फ्लावर का जो एक्चुअल कलर है वो पीच रेड था, बट Realme XT में आप नोटिस करोगे जो फ्लावर का कलर है वो बिल्कुल पिंक सा हो गया, मतलब कलर्स काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड देखने को मिले हैं, कलर्स काफ़ी आर्टिफिशियल से लगते हैं, और Redmi Note 8 Pro में अगेन वार्म टोन देखने को मिली है। तो नेचुरल कलर्स इन दोनों ही फोन्स के कैमरास कैप्चर नहीं कर पाते हैं, और फ्रैंकली स्पीकिंग ये एक ऐसा इशू है जो मुझे नहीं लगता कि ब्रांड्स सॉफ्टवेयर अपडेट देके इसे फिक्स करेंगे। इन दोनों ही फोन्स में 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा मैक्रो सेंसर भी दिया गया है, ये वर्क भी प्रॉपरली करता है, आप सब्जेक्ट के काफी पास जाके मैक्रो शॉट्स एक्चुअली में कैप्चर तो कर सकते हो। 2 मेगापिक्सल का सेंसर है तो ज्यादा डिटेल्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन दोनों ही फोन से, लेकिन Realme XT में मैंने एक इशू नोटिस करा है। आप देख ही सकते हो इमेज में जो कलर्स हैं वो वॉश्ड आउट लगते हैं। वेल अब ये कुछ पिक्चर्स मैंने कैप्चर करी है थोड़े डिस्टेंस से, दोनों ही फोन्स डायनामिक रेंज काफी एवरेज कैप्चर करते हैं, स्टिल अगर किसी एक को पिक करना हो तो इस सैम्पल शॉट में डार्क एरियाज में जो हाइलाइट्स हैं वो स्लाइटली बेटर मेंटेन्ड है Realme XT की इमेज में। इवन कलर कॉन्ट्रास्ट भी मुझे Realme की इमेज का यहाँ पे थोड़ा बेटर लगा है, बिकॉज Redmi Note 8 Pro में अगेन येलोइश टिंट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है, तो कलर्स नेचुरल बिल्कुल भी नहीं लग रहे। इन दोनों ही फोन से आप काफ़ी इंप्रेसिव पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर कर सकते हो, दोनों ही फोन्स मोस्ट ऑफ द टाइम एजेस प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं, बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी नेचुरल है, और दोनों ही पिक्चर्स में मेन सब्जेक्ट भी वेल एक्सपोज्ड आया है। कलर कॉन्ट्रास्ट का अगेन आप डिफरेंस नोटिस करोगे, Realme की पिक्चर्स थोड़ी सी बूस्टेड है, वेयर एज Redmi Note 8 Pro के पोर्ट्रेट शॉट्स में ज्यादा वार्म टोन देखने को नहीं मिली है। स्टिल ये थोड़ा पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करना कि आपको किस तरह का कलर कॉन्ट्रास्ट बेटर लगता है। अब ये कुछ अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स मैंने कैप्चर करे हैं इन दोनों ही फोन्स के 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से, और दोनों ही फोन्स के कैमरास डायनामिक रेंज काफी एवरेज कैप्चर करते हैं। एक इशू मैंने इन दोनों ही फोन्स के अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स में नोटिस करा है कि इमेज के सेंटर में तो डिटेल्स इनफ है, बट इमेज के कॉर्नर्स पे मैंने थोड़ी डिस्टॉर्शन नोटिस करी है।
अब ये पिक्चर्स मैंने कैप्चर करी है इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में, और आर्टिफिशियल लाइटिंग में रियलमी XT बेटर परफॉर्म करता है, बिकॉज इस सैम्पल शॉट में जो डार्क एरियाज हैं वो बेटर लाइट अप करे हैं रियलमी XT ने, इवन जो ओवर एक्सपोज्ड एरियाज हैं वहाँ पे भी एक्सपोजर बेटर एडजस्ट करा है रियलमी XT ने। वेल, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं लो लाइट में, और नो डाउट रेडमी नोटेड प्रो की वीडियो बेटर एक्सपोज तो है, लेकिन रेडमी नोटेड प्रो लाइट ज़्यादा गैदर करने के प्रोसेस में वीडियो में नॉइस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू रियलमी XT। और दोनों ही फ़ोन्स फोकस प्रॉपरली एडजस्ट कर लेते हैं लो लाइट में, तो एज सच कोई फोकस हंटिंग इश्यूज़ मैंने नोटिस नहीं करे हैं, बट बैकग्राउंड में जो LED बोर्ड्स हैं वहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि रियलमी XT एक्सपोजर बेटर मेंटेन कर लेता है। रेडमी नोटेड प्रो की वीडियो में जो टेक्स्ट है वो विजिबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो गया है। फाइनली, अब ये पिक्चर्स मैंने कैप्चर करी है लो लाइट में, और दोनों ही पिक्चर्स में नॉइज़ तो काफ़ी कम है, बट इस सैम्पल शॉट में अगर आप बैकग्राउंड में ध्यान से नोटिस करोगे तो रेडमी नोटेड प्रो की इमेज बेटर एक्सपोज आई है। इवन नेक्स्ट सैम्पल शॉट में जूम करने के बाद जो टेक्स्चर और पैटर्न्स हैं वो भी बेटर मेंटेन्ड है रेडमी नोटेड प्रो की इमेज में। और इस सैम्पल शॉट में अगर आप पहले बैकग्राउंड में देखोगे तो बिल्डिंग बेटर एक्सपोज आई है नोटेड प्रो में। इवन जब मैंने इस इमेज को जूम करा तो फोरग्राउंड भी बेटर एक्सपोज आया है रेडमी नोटेड प्रो में। अब इस सैम्पल शॉट में अगर आप इस एरिया में नोटिस करोगे तो अगेन रेडमी नोटेड प्रो की इमेज बेटर एक्सपोज आई है, लेकिन नाइट मोड अनेबल करने के बाद ये सेम एरिया रियलमी XT की इमेज में भी वेल एक्सपोज आया है, बट नीचे की तरफ अगर आप फ्लोर पे शेडोज देखोगे तो इस एरिया में रेडमी नोटेड प्रो की इमेज एक्चुअली में बेटर एक्सपोज है एज कम्पेयर टू रियलमी XT। तो ओवरऑल अगर देखें तो आप नाइट मोड अनेबल करके इन दोनों ही फ़ोन के कैमरा से लो लाइट में काफ़ी अच्छी पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हो, लेकिन फ्लैश ऑन करने के बाद आप क्लियरली नोटिस करोगे रेडमी नोटेड प्रो की इमेज में कलर कॉन्ट्रास्ट बेटर मेंटेन्ड है। रियलमी XT की फ्लैश थोड़ी एग्रेसिव है, जिसकी वजह से मेन सब्जेक्ट पे जो कलर्स हैं और जो हाइलाइट्स हैं वो थोड़ी ब्लोन आउट हो गई हैं। वेल, इस पूरे कैमरा कंपैरिजन को एनालाइज करने के बाद मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इन दोनों ही फ़ोन्स के कैमरास के कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें एक्चुअली में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।